हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से। मेरे बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही हूँ मैं। एक्चुअली उनको स्कूल से लाने का जिम्मेदारी मेरा ही होता है। आजकल तो शर्मा जी उन्हें सुबह ड्रॉप कराते हैं, पर जब उनका ये वाला शिफ्ट चेंज हो जाएगा, जो कि हो रहा है कुछ ही दिनों में, तो फिर लाना और ले जाना दोनों मेरी ही जिम्मेदारी होगी। और मेरे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, इसलिए बस स्टॉप तक उनको छोड़ना और वहाँ से उनको घर लाना ये मेरी ड्यूटी है। मुझे कुछ बताना है? हाँ, क्या सीक्रेट? That's funny. क्या किया ये? खा गई। क्या किया बेटा ये? खुशी का कोई सीक्रेट नहीं है। You don't have ghost teeth. नहीं। Oh, you are angel. And she is my Angela. Angela. नहीं, you सानवी। वो कैटी नहीं है Angela? हाँ हाँ। तुम वही हो। तुम्हारा मुझे बहुत ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है, वो अपने आप कुछ नहीं करती। हाँ। नहीं, ये ठीक नहीं थे। इतने बड़े किसी के दांत नहीं होते। नो नो नो, फिर से करना पड़ेगा। छोटे होते हैं ना दांत। वो पहले वाला था ना, वो मुझे रियल लगा था। क्या डर गई थी? हाँ, मैं डर गई थी। तुमने मुझे डरा दिया। अरे दांत वापस। तुम कितनी फनी लग रही हो। तुम खुद को नहीं देख सकती। जानो ची ची ची, हटा उसको। I love you. तुम्हारा भी दांत बड़ा हो गया। पर ये तो दांत जैसा नहीं लग रहा। बहुत डरावनी लग रही हो। मामा डर गई। ये ले। नहीं, उसको बेटा एक ही दांत बड़ा करना है। उसको उसके दो दांत नहीं है। हाँ, वो हर बार एक ही दांत बड़ा करके मामा को डरा रही है। ओ, हम डर गए। मेरे साथ जो व्यूवर्स है वो सब भी डर गए। खुशी, मत करो हमारे साथ ऐसा। प्लीज। मैं नहीं करूंगी। नहीं करोगे ना? तुम अच्छी हो ना। यू लव ऑल ऑफ अस नो। थैंक यू। हमें खा मत जाना। और बस कुछ ही देर बाद हम लोग निकल गए बाहर। मुझे एक्चुअली बहुत सी सब्जियां खरीदनी थी। मेरे पास जो बेसिक सब्जियां होती है ना, जैसे आलू, प्याज, लहसुन वगैरह, वो भी ख़त्म हो गया था। तो बस मैं मेरे घर के थोड़ा नज़दीक ही एक सुपर स्टोर जैसा है, मॉल टाइप्स, तो वहाँ से मैं यूजुअली सब्जियाँ लाती हूँ। बस मैं वहीं गई थी। थोड़ा ईजी रहता है जब बच्चों के साथ आपको जाना हो। जब लोकल मार्केट में घूमते हैं ना, तो बच्चे, थैला, बहुत हेडेक हो जाता है। तो आई प्रेफर कि मैं मॉल से ही ले आऊँ जब ये हालात मेरे सामने आते हैं। तो
और घर आके मैं सब्जियां अरेंज करूं उससे पहले मैं अपने लिए चाय बना रही हूं। बच्चों को थोड़ी भूख लग गई थी तो उनके लिए थोड़ा सा स्नैक्स बना रही हूं। और ये जो पैन है ना, ये मायर का ग्रिल पैन है। इसको ख़रीदने के लिए लिंक और इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो वो लिंक और वो डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। इस ग्रिल पैन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आप देख ही सकते हैं इस पर कितने सारे स्लाइस आ गए हैं। और इसका जो ये ब्लैक कोटिंग है ना, ये 100% टॉक्सिन फ्री है। मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, ये मैंने मायर के रिप्रेजेंटेटिव से कंफर्म किया है। उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि ये जो ब्लैक कोटिंग है ये 100% लेड फ्री, टॉक्सिन फ्री है, 100% सेफ फॉर हेल्थ है। और यहाँ देखते ही देखते मेरी चाय भी तैयार हो गई और ये टोस्ट भी पक चुके हैं। तो बस ये बच्चों के लिए है, मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। और मेरी चाय मैं ऑलरेडी छान चुकी हूँ। और ये वीडियो मैंने कब से अपलोड भी लगाई है, आज ही अपलोड ही नहीं हो रही है। मैंने सोचा था लगभग 5 बजे तक आपको वीडियो दे दूँगी और ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट अपलोडिंग। And how is your toast? मस्त है, अच्छा लगा। अच्छा लगा? Crunchy है। Crunchy है। That's why I called it toast. हाँ। Toast अच्छा गया ना? Mini toast. Fine. और आज coincidentally मेरा सब लहसुन प्याज और क्या बोलते हैं इसको, आलू ख़त्म हो गया था। तो मैं मार्केट से ये सब लेकर आई हूँ। बाय द वे दीज बैग्स आर नॉट प्लास्टिक बैग्स, ओके। तो सारी बास्केट्स रिफिल कर लूँगी मैं अभी। मुझे है ना सब्जियाँ ख़रीदने का बहुत शौक है, मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ते हैं। मैं उनको बोलती हूँ मुझे सब्ज़ी दिला के लाओ तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं कि सब्ज़ी क्यों लाना है तुझे, जब देखो सब्ज़ी चाहिए। इतना तो कभी शॉपिंग करने के लिए नहीं बोलती जितना सब्ज़ी सब्ज़ी के लिए बोलती है। कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ना किसी ब्लॉग में आपकी मांगी हुई रेसिपीज़ को इंक्लूड करूँ। यूँ तो जो मेरा जो रूटीन है, मैं जो लंच में डिनर में बना रही हूँ वो ही मैं आपको शो करती हूँ। बट अगर किसी ने कोई रेसिपीज़ मांगे हैं, और देखिए मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल होगा, मैं बस किसी को ऑर्डर दे दूँगी और मेरा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जाके सारी चीज़ें खरीद लाएगा, ऐसा तो नहीं है। हर चीज़ मुझे ही करना पड़ता है, अकेले मैं ही ये जो चैनल है मेरा, चाहे वो शूट हो, एडिट हो, या ये सब सामान इकट्ठा करना हो, तो मैं अकेले ही करती हूँ। ये जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं ये नया कुछ ले लेती हूँ, मुझे किसी ने इसका रेसिपी मांगा था तो इस बार मैं इसका रेसिपी शो कर दूँगी, बस इतना ही। मुझे बहुत पहले ही किसी ने बोले थे कि दी अगर आपको छास वाले आलू आते हैं ना बनाने तो आप सिखा दीजिए, तो मैं बस आज छास वाले आलू सिखाऊंगी। ये नॉर्थ इंडिया की फेमस सी रेसिपी है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद हरियाणा साइड की है। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ईजी हैं। तो इनमें से ना छोटे वाले आलू मैं ले लूँगी, ये जल्दी से उबल जाते हैं। और गर्मियों में धनिया नहीं मिलता क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और बरसात में धनिया नहीं मिलता क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता है। सिर्फ विंटर्स में धनिया के मज़े आप ले सकते हो। आज मैंने इतना ढूंढा पर मुझे कहीं धनिया नहीं मिला। और अदरक लाई थी मैं हमेशा की तरह, इसको मैंने थोड़ा सा सुखाने के लिए रख दिया है। एक बार इसके ऊपर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे टिश्यू पेपर लगा के स्टोर कर दूंगी, फिर ये बहुत दिनों, कई हफ्ते चलता है। तो इधर मैंने आलू सीटी करने रखे थे, आलू को सीटी लग चुकी है। बस ये जो आलू है ना, आलू जैसे ही सीटी लग जाए, इसका प्रेशर रिलीज हो जाए, इसको पानी में से निकाल दिया कीजिए, वरना ये बहुत सारा पानी पी लेते हैं और फिर इनको हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर आप सब्जी वगैरह बना रहे हों तब तो चल जाता है, लेकिन अगर आप पराठे वगैरह बना रहे हो ना, फिर ऐसे आलू जिसमें बहुत सारा पानी हो वो हैंडल करना मुश्किल होते हैं। यहाँ थोड़ी मैंने भिंडी जो है काट ली है, प्याज साफ करके रखा है भिंडी के लिए, क्योंकि आलू में तो प्याज डलेगा नहीं। कचरा मैं फेंक देती हूँ ज़रा,
और ये दो तीन कैरेट्स मैंने लगभग एक कप हो जाएंगी घिसने के बाद ये कैरेट्स साफ कर लिए हैं। मुझे इन्हें कद्दूकस करना है क्योंकि मैं बनाऊंगी मफिन, कैरेट मफिन्स, बच्चों को स्कूल के लिए दूंगी दो तीन दिन खाने के साथ। और अभी ये जो आलू है ना, इनको मैं पहले सबसे पहले पानी में से निकाल लेती हूँ, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे। बनाएंगे कैरेट मफिन्स, और कैरेट मफिन के लिए कैरेट चाहिए। देखिए विंटर्स में लाल वाली गाजरें मिलती हैं, आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अभी तो यही वाली अवेलेबल हैं। और वैसे बेकिंग में ये वाली गाजर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आप चाहें तो आप लाल वाली इस्तेमाल कर सकते हो। और इनको है ना, जैसे कद्दूकस में एक होता है बहुत बड़ा सा साइड, ठीक है, और फिर एक होता है बहुत फाइन सा साइड, ये दोनों ही हमको नहीं चाहिए। इनके बीच का एक होता है ये वाला, इस वाली साइड से ये जो कैरेट्स हैं इनको कद्दूकस कर लेना है। ताकि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैं बेसिकली बना रही हूँ जिससे मैं मेरे बच्चों को जब टिफिन देती हूँ ना, तो एक जो खाने का जो पोर्शन होता है वो होता है, एक पोर्शन सैलेड्स या फ्रूट्स का होता है, और एक पोर्शन मैं इस तरह कुछ भी दे देती हूँ जिसमें मफिन हो सकता है, कुकीज़ हो सकते हैं, नट्स वगैरह देती हूँ। तो आप अगर मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे मेरे बच्चों के तीन टिफिन मैं तैयार करती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे पहले से प्लान करना पड़ता है कि सुबह तीनों में क्या क्या जाएगा। गाजर रेडी, और इस वाली गाजर में बहुत सारा जूस होता नहीं है, इसलिए आपको इसे निचोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाल वाली गाजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसे निचोड़ लीजिएगा। तो केक बनाने के लिए हमेशा की तरह दो बर्तन लेने हैं, एक बर्तन में हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और एक में ड्राई। तो छलनी में मैंने डाला है एक कप मैदा, आप चाहे तो एक कप आटा ले सकते हो, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और उससे आधा बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक, और इसको अच्छी तरह से छान लीजिए। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे इसमें थोड़ा एरेशन होगा और किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी, गुठलियाँ वगैरह होंगी, तो वो जो है रिमूव हो जाएंगे, आप गुठलियों को आराम से इस तरह तोड़ पाएंगे। तो ये तो थे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने एक बोल में डाल दिए हैं। दूसरे बोल में डालेंगे अभी हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स। आधा कप कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, आधा ही कप घर की मलाई लेनी है। मैं थोड़ा अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे मालूम है कितनी चम्मच जाएगा। आप ये मफिन पहली बार बना रहे हैं तो हिसाब से मेजर करके आधा कप लीजिएगा घर की मलाई, और बस एक चम्मच दही लेना है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, और इनमें से कोई भी चीज़ चिल्ड या वार्म नहीं होनी चाहिए, सब रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और इससे ज़्यादा दही मत डालिएगा। एक टीस्पून वनीला एसेंस मैंने डाला है, और अभी सबको मैं बीट कर लूँगी। अच्छी तरह से विस्क कीजिए, मिक्स कीजिए या बीट कीजिए तब तक जब तक ये सारा का सारा मिक्सचर एक जैसा ना दिखने लगे। और मैं किसी भी केक या मफिन में दूध पहले नहीं डालती हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट में डालेंगे कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए। और यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने डाला है एक टीस्पून सिनेमन पाउडर, आप चाहें तो एक टेबलस्पून तक इसे बढ़ा सकते हैं अगर आपको इसका स्वाद अच्छा लगता है तो, और आधा कप कैस्टर शुगर, मेरे पास कैस्टर शुगर था इसलिए मैंने वो डाल दिया है, आप चाहें तो जो साधारण चीनी घर में होती है, हमेशा मैं भी उसी को पाउडर बना के यूज़ करती हूँ, बट अभी मेरे पास ये पैकेट था इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो आधा कप पिसी हुई या कैस्टर शुगर, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जितने अच्छे से आप मिक्स करोगे ना उतना ही आपका केक अच्छा बनेगा, क्योंकि बाद में हम इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेट को अलग और ड्राई को अलग अच्छे से मिक्स कर लिए। फिर जितनी भी जो गाजर थी वो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट में डाल दीजिए, सारी की सारी मैदा में अच्छे से कोट हो जाए, इसके बाद इसमें जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे वो वाला मिक्सचर, और दूध डालते हुए कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। और इसे रनी बिल्कुल मत बनाइएगा, आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा है ये, ऐसा ही गाढ़ा आपको ये मिक्सचर तैयार करना है, और आप चाहें तो केक बेक कर लें, मैं इसके मफिन बेक कर रही हूँ। ये सब प्रोसेस शुरू करने से पहले ही बेक जो आपका जो ओवन है ना उसको प्री हीटिंग पे रख दीजिए, वो प्री हीट हो चुका है अब तक, और मैं ये जो मफिन है वो बेक होने के लिए रखूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 17 मिनट के लिए। और जब तक जो मफिन है वो बेक हो रहे हैं मैं यहाँ पे बना लूँगी छाछ। तो छाछ होती है बटर मिल्क, और वो जब मक्खन निकाल लेते हैं ना तो उसके बाद जो बचता है वो होता है, पर हमारे घरों में तो छाछ इस तरह रेडली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए जो दही था उसी को थोड़ा सा पानी डाल के मैं मिक्सी कर लूँगी, एक्चुअली दही को ही पतला कर लूँगी, तो उसको छाछ की तरह इस्तेमाल करूँगी, छाछ या छाछ आप कुछ भी कह सकते हो।
तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने बनानी है भिंडी, और भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सिंपल सी भिंडी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली भिंडी मेरे घर में खुशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इधर कुछ दिनों से शर्मा जी भी भिंडी खाने की इच्छा दिखा रहे थे। मैं लाई भी थी आज, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट बना लेती हूँ। भिंडी जितनी फ्रेशली आप बना लोगे ना, उसका स्वाद उतना ही अच्छा आता है। और ये वाला जो कढ़ाई है मेरा, ये भी मायर का ही है। मैंने आपको बताया था उन्होंने मुझे 3 गिफ्ट भेजे हैं, और ये तो अच्छा वाला है, थोड़ा छोटा है। इसमें आप कम क्वांटिटी की सब्जी बनाते हो तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसको ख़रीदने का लिंक और अगेन मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए एक डिस्काउंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप चेक कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इधर आलू उबल गए थे, उन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है छीलने के बाद, और इस दौरान मफिन भी बेक हो गए। स्क्यूअर टेस्ट कर रही हूँ मैं, स्क्यूअर एकदम क्लीन आ रहा है। मफिन एकदम गर्म है, तो इन्हें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक आने के लिए मैं रख दूंगी दूसरे रूम में फ़ैन के नीचे, कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, उसके बाद ही इनको खाया जाता है। गर्मा गर्म मफिन में उतना मज़ा नहीं आता, और ये मफिन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों के टिफ़िन के लिए इस तरह तैयार कर लेती हूँ, आप चाय के लिए भी तैयार कर सकते हो, और इतने कम इसमें इंग्रेडिएंट जाते हैं, इतनी क्विकली बन जाता है। आप ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सेम रेसिपी माइक्रोवेव में भी बनाई जा सकती है। माइक्रोवेव को कॉन्वेक्शन मोड पर ले जाके प्री हीट कीजिएगा, और फिर सेम टेम्परेचर और सेम टाइम के लिए आप इसको बेक कर सकते हो। और कढ़ाई में भी किया जा सकता है, उसके लिए मैं किसी और दिन आपको वीडियो में दिखा दूंगी कैसे करना है। और इधर फटाफट से जो भिंडी है वो भी रेडी हो गई है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो लगभग सबको पसंद आती है, और इसे बनने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। स्पेशली गर्मियों के दिनों में जब आपको कुछ भी ना सूझे क्या बनाना है, आप फटाफट से भिंडी पराठा कर लें, इसके साथ एक दाल या रायता कर लें, और खाना आधे घंटे में तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया वाली सब्जी है ये। तो भिंडी हो गई है रेडी, अब मैं बनाऊंगी छाछ वाले आलू। तो मैंने लिया है कढ़ाई में थोड़ा ऑयल, इसमें डाला है जीरा और हींग। इसमें बहुत मसाले नहीं जाते हैं, जीरा हींग को अच्छी तरह से आप भून लीजिए। इसके बाद जो आपके उबले हुए आलू हैं जो आपने काट के रखे हैं, उनको डाल दीजिए, और इन्हें हमें थोड़ा सा भूनना है। इतना नहीं भूनना है कि इस पे कलर आए, पर इन्हें थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक कुछ भी नहीं जाता है। बहुत ही सिंपल बेसिक सी ये डिश है, पर आप खाइएगा, एकदम अलग ही डायमेंशन देती है ये रेसिपी आपके आलुओं को, आपको बहुत अच्छी लगेगी आई एम श्योर। तो थोड़े से आलू भून जाएं, इसके बाद मैंने बीच में ऐसा थोड़ा कुआं जैसा बनाया है, और तेल में मैं ऐड कर रही हूँ रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर, और इनको थोड़ा सा भून लीजिए और फटाफट से आलुओं में मिक्स कर दीजिए। जो मसाले हैं वो जलने नहीं चाहिए। अब इस स्टेज पे इन आलुओं को फिर से हम थोड़ी देर भूनेंगे, और मैं फिर कह रही हूँ इनको कलर वलर देने की ज़रूरत नहीं है, स्लो आँच पर थोड़ी थोड़ी देर भून लीजिएगा। आपको फील होगा कि एक जो खुशबू है वो आने लगी है, और ये सब कुछ अच्छे से वेल मिक्स हो गया है बस उतनी देर। और अब ये जो बटर मिल्क मैंने बनाया था, बटर मिल्क नहीं है ये, फेटा हुआ दही है एक तरह से, पतला किया हुआ दही। आपके पास छाछ हो ना तो वही डालिएगा, पर जैसे मैंने बनाया इस तरह भी बन सकता है। एंड ये दही वाले आलू नहीं है गाइस, दही वाले आलू की रेसिपी अलग होती है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। ये छाछ वाले आलू है। तो छाछ मैंने मिला दिया, इसके बाद स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है, और इसको है ना आपको अच्छी तरह से पकाना है उबाल लाने तक। मैं आपको कहना भूल गई पहले, इसको चलाते रहिएगा तब तक जब तक आपकी सब्जी एक उबाल ले ले, उसके बाद ही आप इसमें जो है नमक डाल सकते हैं। तो उधर मेरे छाछ वाले आलू पक रहे हैं, और इधर मैं बना रही हूँ थोड़े से चावल। चावल डिनर का पार्ट नहीं है, ये मैं सुबह के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने मफिन जो बनाए हैं वो भी सुबह के लिए हैं, और ये राइस भी मैं सुबह के लिए कर रही हूँ। बच्चों को सुबह में मैं फ्राइड राइस देने वाली हूँ, तो एक तरह से आप कह सकते हो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मील प्रेप कर रही हूँ मैं। थोड़ी सब्जियाँ बाद में चॉप कर दूँगी, तो मेरे पास उतना ज़्यादा कुछ काम सुबह में करने के लिए बचेगा नहीं। चावल उधर पक रहे हैं, और इधर जो मेरे छाछ वाले आलू हैं ये तैयार हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से रखिए, जैसा मैंने रखा है आप इससे गाढ़ा भी रख सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। एक बार अच्छे से सब्जी आपकी 2-4 मिनट खोल जाए, उबाल ले ले, तो इसके बाद इसमें डालिएगा कसूरी मेथी, बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा स्वाद के हिसाब से गरम मसाला, एंड दैट्स इट। इसमें और कोई इन्ग्रीडियंट्स नहीं जाएंगे। वो सब्जी तैयार हो चुकी है। इधर मेरे जो चावल हैं ये भी तैयार हो गए हैं। भिंडी हम पहले ही पका चुके थे,
और आप चाहे तो छाछ वाले आलू को है ना बहुत सारे हरे धनिया से गार्निश कर सकते हो। मेरे पास हरा धनिया था नहीं इसलिए ऐसा ही मैंने उसे छोड़ दिया है। ट्राई कीजिएगा, एकदम इजी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो सारा डिनर तैयार हो चुका है, रोटी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, अभी मैं थोड़ा आराम करूंगी। अभी बचा है सिर्फ आपको ये मफिन दिखाना कि ये अंदर से कैसा बना है। तो ये देखिए, इसे कहते हैं डोम शेप मफिन, परफेक्ट आया है। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर है ये, और ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो ये और भी अच्छा टेक्सचर ले लेगा। जब केक से मफिन गर्म होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडे होते जाते हैं ना तो उनका टेक्सचर एकदम अच्छा हो जाता है, उसी तरह का जैसा आप मार्केट से लाते हो। और स्पॉन्जी कितना है आप देख ही सकते हो। आप इसे आटा से बनाएंगे तो ये और भी हेल्दी बनेगा, बट रेसिपी में मैदा जाती है इसलिए मैंने आपको मैदा दिखाया। ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे।